नमस्कार दोस्तों, मन की चाहत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि घर में अपने मृतक परिजनों की फोटो को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाएं तो फिर किस दिशा में लगाएं, इस बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता और वे दुविधा में रहते हैं कि हमें अपने पूर्वजों की फोटो को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए और धार्मिक शास्त्र भी इस बारे में क्या कहते हैं, और यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल मन की चाहत को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। देरी न करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों रीति रिवाजों के साथ अपने पितरों की आराधना करते हैं। कई बार जाने अनजाने हमसे कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें लाभ की जगह हानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपने परिजनों के स्वर्गवास के बाद उनके चित्र को घर में लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन चित्रों को कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, इसका भी बड़ा महत्व है। गलत जगह पर लगाए गए फोटो हमेशा गलत परिणाम ही देते हैं। मृत लोगों की फोटो को कई बार लोग भगवान या देवी देवताओं की फोटो के साथ लगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यह करने से आपको लाभ की जगह हानि ही होगी। देवी या देवता पितरों से बढ़कर होते हैं, ऐसा करना देव दोष माना जाता है। मृत लोगों की फोटो को घर के मध्यम भाग में नहीं लगाना चाहिए, इससे समाज में आपका मान सम्मान कम होता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी या दक्षिणी की दीवारों में भी लगाने से बचना चाहिए, इससे घर में धन संपदा की हानि होती है। पितरों की फोटो को एक से अधिक स्थानों पर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करने से घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त पितरों की फोटो का लटकना या फिर झूलना भी सही नहीं माना जाता। मृत लोगों की फोटो को कभी भी जीवित मनुष्य की फोटो के साथ नहीं लगाना चाहिए, इससे स्वभाव में नकारात्मकता आती है। पूर्वजों की फोटो को घर के किचन या फिर बेडरूम में भी नहीं लगानी चाहिए, इससे पूर्वजों का अपमान होता है और घर में अशांति का माहौल बनता है। अब सवाल यह आता है कि पूर्वजों की फोटो को हम कहाँ लगाएं? कुछ शास्त्रों के अनुसार यदि घर का मंदिर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में है तो पितरों के चित्र को पूर्व में लगा सकते हैं, और वहीं पूजा स्थल पूर्व में हो तो चित्र ईशान कोण में लगा सकते हैं। अगर पूजा घर को छोड़कर अन्य किसी कमरे में चित्र लगा रहे हैं तो उत्तर की दिशा की दीवार पर ही लगाएं, ताकि पूर्वजों का चेहरा दक्षिण की ओर रहे, यह उनके लिए सर्वोत्तम स्थान है होना चाहिए। घर में पूर्वजों की फोटो को इस तरह लगाएं ताकि वह दीवार से सटा रहे, वह लटकता या झूलता नहीं होना चाहिए। पूर्वजों की फोटो को हमें इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि अतिथि की नजर उन पर न पड़े, और आप भी पूर्वजों की फोटो को कम ही देखें, इससे आपके भविष्य में बुरा प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं, लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करना सही नहीं है। यह भी कहा जाता है कि हर समय पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। धन्यवाद।